For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys and welcome to Movies Adda. मैं हूँ ज्योति नाहक. दोस्तों finally सोन चिरैया, जी हाँ, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत स्टारर और साथ ही साथ भूमि पेडनेकर, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार है दोनों अपनी अपनी जगह पर, ये फाइनली इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. 8th February 2019 को फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन ट्रेलर जो है काफ़ी जल्दी रिलीज कर दिया गया है. और अगर ट्रेलर की मैं बात करूं तो जैसे कि अभिषेक चौबे फेमस हैं उड़ता पंजाब हो गया या इस तरह की तमाम जो रॉ स्टोरीज है ऑडियंस के सामने रॉनेस लेकर आने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर आप नोटिस करेंगे, जिस तरीके से पूरा सब कुछ फिल्माया गया है, एक बहुत जो बेसिक इंडिया है, जैसे हमारा बेसिक इंडिया है, एक बहुत रॉनेस नज़र आ रही है. डायलॉग डिलीवरी बहुत स्ट्रांग है. हालांकि अगर एक चीज़ की मैं बात करूं तो पूरे ट्रेलर में ऑफकोर्स यू नो चंबल के जो डाकू हैं उनके ऊपर बेस्ड स्टोरी है, डकैत के ऊपर बेस्ड स्टोरी है, लेकिन अगर मैं ट्रेलर की बात करूं तो सुशांत सिंह राजपूत मुझे काफ़ी कम नज़र आए ट्रेलर में. जी हाँ, ये एक स्ट्रेंज बात भी हो सकती है या फिर एक USP हो सकती है कि उनके कैरेक्टर को छुपा के रखने की कोशिश की जा रही है शायद. सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम दिखाई दिए सुशांत सिंह राजपूत ट्रेलर में. उसके साथ साथ अगर मैं एक्ट्रेस यानी कि भूमि पेडनेकर जो लीड प्ले कर रही हैं, अगर उनकी बात करूं तो जिस तरह का एक्सेंट उन्होंने यूज़ किया है, जिस तरह के बातचीत वो कर रही हैं, जिस तरह का एक डायलॉग डिलीवरी है, स्ट्रॉन्ग डायलॉग डिलीवरी है उनकी, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है. और इस रोल में कहीं ना कहीं मुझे भूमि का जो किरदार है वो इश्किया में जो विद्या बालन का कैरेक्टर था उसकी थोड़ी बहुत मुझे झलकियाँ नज़र आ रही हैं. इन द वे शी इज गोइंग अगेंस्ट द पीपल, उस वे में वो उनके बराबरी का मुझे लग रही है, टक्कर देने टाइप्स. अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ऑफकोर्स स्टोरी अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट है. लेकिन अगर मैं सुशांत सिंह की बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कम नजर आ रहे हैं वो ट्रेलर में, तो हो सकता है ये एक USP रखना चाहा हो मेकर्स ने. और रॉनी स्क्रूवाला ने प्रोड्यूस की है फिल्म को, अभिषेक चौबे डायरेक्टेड फिल्म है और डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, क्योंकि इंडिया में आजकल कंटेंट इज़ द न्यू किंग ऐसा कहा जा रहा है. और कहीं ना कहीं कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इस फिल्म का, क्योंकि जिस तरह का सब सीन्स विजुलाइजेशंस दिखाई गई हैं, प्रॉपर गांव का सेटअप है. और सुशांत सिंह राजपूत ने जितने भी डायलॉग्स ट्रेलर में दिखाए गए हैं, जितना बोला गया है, वो ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन और ज़्यादा एक्सपेक्टेड था ट्रेलर से. तो ट्रेलर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं है. इट्स आई वुड से कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ट्रेलर नॉर्मल है, कि आपको क्यूरोसिटी देगा लेकिन एक मैडनेस लेवल नहीं देगा कि यू शुड वेट फॉर द फिल्म, यू शुड वेट फॉर द फिल्म. हो सकता है कि ये एक ट्रिक हो मेकर्स की, इसके बाद हो सकता है और भी तरीके से चीज़ें प्रमोट की जाएँ या और भी तरीके से ट्रेलर्स और रिलीज़ किए जाएँ, कुछ भी हो सकता है. बट फिलहाल इस ट्रेलर को देख कर मैं जिस तरह से खास करके अगर एक मैं स्पेशल वेरिफिकेशन अगर करना चाहूँ यहाँ पर, तो आशुतोष राणा, जी हाँ, जो कि विलन नज़र आ रहे हैं इस फिल्म में, उन्होंने बहुत उनका रोल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल फिल्म में. जिस तरीके से उन्होंने ऑल ओवर अपना लुक, एक डिफरेंट लुक लग रहा है उनका. ऑफकोर्स सुशांत सिंह राजपूत भी एक डिफरेंट लुक में लग रहे हैं, पहचान में नहीं आ रहे हैं. और जिस तरह उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई है अपनी, और आशुतोष राणा जो है वो काफ़ी स्ट्रांग पोर्ट्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं अपना कैरेक्टर. तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन था ओवरऑल ट्रेलर को लेकर. आपको क्या लगता है, ट्रेलर कैसा लगा आपको? और कहीं ना कहीं आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं है कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उनका कैरेक्टर शायद थोड़ा कम दिखाया गया है, उनके कैरेक्टर को हाइड करके रखने की कोशिश की गई है शायद. और इस चीज़ पर आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए. क्योंकि जो डायलॉग डिलीवरी है ऑल्सो, अगर मैं डायलॉग्स की बात करूँ, तो जितने भी सपोर्टिंग कास्ट से लेकर विलन से लेकर एक्ट्रेस से लेकर एक्ट्रेसेस तक, सबकी ही भाषा जो है वो एक बहुत ही बिहारी टच, बिहारी टोन देती हुई भाषा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर ऑफकोर्स. और कहीं ना कहीं एक यूपी का फ्लेवर भी ऐड हो रहा है. सो ये मेरा ओपिनियन था ट्रेलर के ऊपर. दोस्तों आपको क्या लगता है, ट्रेलर आपको कैसा लगा? और सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. प्लीज़ कमेंट्स करो वीडियो के नीचे कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, आपको सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर कैसा लगा, आप एक्साइटेड हैं कैरेक्टर के लिए या फिर नहीं हैं, या फिर साथ ही साथ भूमि पेडनेकर आपको कैसी लगी. सो ये सब सारी चीज़ें मुझे कमेंट्स करके बताइए. एंड दिस इज़ ज्योति नाहक signing off.